नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हम लोग मूवी क्यों देखते हैं? हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप कुछ लर्निंग भी करते हैं ना, तो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ एक मूवी देखने गया। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा मन है पठान मूवी देखने का। मैंने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं पठान मूवी का कोई प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं जब मैंने इस मूवी को देखा तो क्या क्या इस मूवी से सीखा। मेटास लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स वर्ल्ड क्लास हाइजीनिक स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन वैनिटी एंड वार्डरोब रस्ट फ्री टर्माइट फ्री विद साउंडलेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो है चैलेंजर एटीट्यूड इन एडवर्सिटी। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो चैलेंजर होना चाहिए। यहाँ पर पठान जब जिम से फाइट करता है ना, तो एक चैलेंजर एटीट्यूड के साथ होता है और उसको ये पूरा विश्वास होता है कि हर अवस्था में भारत देश की जीत होगी, मैं उस वायरस को ख़त्म करके मानूंगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है पावर ऑफ सेल्फ बिलीव, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एट दिस एज। अगर आप ध्यान से देखें तो जो सलमान खान है ना, वो तो लगातार बड़े लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग करते आ रहे हैं। मतलब यंग एज से ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं और बहुत अच्छा बिल्टअप उनका है। लेकिन जो शाहरुख खान है ना, वो हमेशा से बिल्कुल लीन एंड स्लिम रहे हैं, मतलब स्किनी रहे हैं थोड़े से। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 57 की एज पर सेल्फ बिलीव के आधार पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और इतना बेहतर फिजिक डेवलप किया जो केवल एक सेल्फ बिलीव बेस्ड पर्सन ही कर सकता है। यहाँ पर पावर ऑफ डेडिकेशन काम करती है कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ, कितना कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। आप जिस बात पर कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान देंगे वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैंने खुद भी 37-38 एज पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया और अपने आप को वैसा बना लिया जैसा मैं अपने आप को देखना चाहता था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात मैंने सीखी, बिलीव इन योर लीडर्स, हमेशा अपने लीडर्स पर विश्वास करें। कई बार ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पर पठान था ना, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंस गया जहाँ पर उसके लीडर की उनको सपोर्ट चाहिए थी और लीडर ने भी जो जवाब दिया उस जवाब को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर नंदिनी ग्रेवाल के नाम से रॉ की चीफ थी डिंपल कपाड़िया, एक ऐसी अवस्था आई कि वो सामने उसके बैठी हुई थी, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी कंपनी का एजेंट नहीं है, रॉ का एजेंट नहीं है, हमारे इससे कोई लेने देने नहीं है। और शाहरुख खान ने, पठान ने उस समय पर फिंगर्स के इशारों से कुछ बात की और ये बता दिया कि चिंता मत करो, मैं सारा इशारा समझ गया हूँ और अब मैं इनको अच्छे से देख लूँगा और मेरी हेल्प करने के लिए टाइगर अभी जिंदा है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लर्निंग है ना, वो ये है कि ऑलवेज मेक गुड रिलेशन विद अदर, हमेशा दूसरों के साथ बेहतर रिलेशन ज़रूर डेवलप करें। यहाँ पर पठान मूवी में ना एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट क्या है कि शाहरुख खान अफगानिस्तान में जाते हैं और अफगानिस्तान में वो देखते हैं कि पूरा का पूरा गाँव, जहाँ पर बहुत सारे गाँव के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग सारे वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर किसी न किसी का अटैक हो जाता है। उस अटैक में एक बॉम्ब वो मस्जिद के ऊपर फेंकते हैं, मदरसे के ऊपर फेंकते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। शाहरुख खान उस बॉम्ब को लेता है और बॉम्ब को ऐसी जगह पर फेंकता है जहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाता है और वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो उसको अपना मानने लगते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, उसका पूरा इलाज करते हैं, उसको पूरा स्वस्थ बनाते हैं और वहाँ पर उनका आपस में रिलेशन डेवलप हो जाता है और यहाँ गाँव के लोग उसके लिए जान देने को तैयार होते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी आने वाली जनरेशन को बचाया होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि कोई भी परिस्थिति हो ना, आप अपने रिलेशन जरूर डेवलप करें। बेहतर रिलेशन होने पर वो रिलेशन आपके किसी भी समय काम आ सकते हैं। ये बात मैंने पठान मूवी से सीखी। एंड द नेक्स्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ मिस्टेक। यहाँ पर पठान मूवी में ना एक रक्त बीज करके एक वायरस होता है, उस वायरस को पठान को लेकर डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन वो अकेला ये काम कर नहीं सकता। इसके लिए पाकिस्तान की एक ISI एजेंट दीपिका पादुकोण होती है, उसके साथ मिलकर वो उस वायरस को रिसीव करने ऐसे लॉकर में जाता है जो लॉकर ऑटो लॉक हो सकता था। और वहाँ पर दो तरह की होती हैं, एक की पठान के पास होती है और एक की दीपिका पादुकोण के। रक्त बीज के वायरस को हासिल करने के लिए जब पठान और ये ISI एजेंट दोनों वहाँ लॉकर में पहुँच जाते हैं तो दीपिका पादुकोण कहती है कि आप ऊपर आने से पहले जरा ये वायरस का बैग मेरे पास फेंको, और जो पठान है वो वायरस का बैग ऊपर फेंकता है। उसके बाद दीपिका पादुकोण उसको नीचे छोड़कर लॉक करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो पठान होता है वो लॉकर में फंस जाता है और फंसने के बाद उस देश की जो आर्मी होती है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और अपने देश का मान ना खराब हो
उसको बचाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को बचाए रखने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है कि ये चोरी मैंने की थी। नेक्स्ट जो लर्निंग है ना, वो एक अच्छी बिजनेस लर्निंग है, वो क्या है, क्रिएट अ ट्रैप टू ब्रेक कॉम्पिटिटर। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से जीतना चाहते हैं ना, तो कोई ना कोई मार्केटिंग का एक ऐसा ट्रैप बिछाएं जिसमें आपका कॉम्पिटिटर ये समझ ही ना पाए कि कंपनी क्या कर रही है, और उस ट्रैप को फॉलो करते करते वो आपसे पिछड़ जाए और आप अपने विजन और मिशन पर आगे बढ़ जाएं। जिम को पकड़ने के लिए ना पठान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पठान उसको ढूंढ नहीं पा रहा था कि वो है कहाँ और वायरस लेके वो कहाँ गायब हो गया। जिम को ढूंढने के लिए पठान ने ना अफगानिस्तान के अपने दोस्तों की मदद ली, वहाँ पर एक झूठा वायरल वीडियो बनाया कि भाई यहाँ पर वो वायरस आ चुका है, और आने के बाद वहाँ के लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। जिम ने जब उस वायरल वीडियो को देखा तो उसके मन में एक डाउट आया कि यार रक्त बीज तो मेरे पास है, पर ये वायरस वहाँ कैसे पहुँचा। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिम अफगानिस्तान जाता है, और अफगानिस्तान के लोग पठान के साथ मिले होते हैं, और वहाँ पर उसकी फाइट जिम के साथ शुरू हो जाती है। इसीलिए आप भी अपने बिजनेस में मार्केटिंग का कोई ऐसा ट्रैप बिछाएं जहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर उस ट्रैप में फंस कर रह जाएं, जबकि आप एक डिफरेंट मेथड से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। एंड द नेक्स्ट लर्निंग दैट इज ट्रस्ट योर टीम बट नॉट ब्लाइंडली। पठान से यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, उसको ये पता था कि अगर मुझे वायरस रक्त बीज हासिल करना है तो मुझे मेरी कैपेबिलिटी के इक्वलेंट कोई साथी चाहिए, तो उसने ISI एजेंट दीपिका पादुकोण पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद जब वो उस रक्त बीज तक पहुंच गए तो एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर पठान ने कर दी। और वो मिस्टेक क्या थी, जब पठान ने कहा कि रस्सी ऊपर खींचो मैं ये रक्त बीज लेके ऊपर आ रहा हूं, तो दीपिका पादुकोण ने कहा नहीं आप ये रक्त बीज मेरी तरफ फेंको फिर मैं आपको खींचती हूं। तो यहां पर पठान से एक मिस्टेक हुई कि उसने ट्रस्ट कर लिया ब्लाइंडली एक ISI एजेंट पर, जो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। एंड द नेक्स्ट दैट इज कंप्लीट अंटिल यू विन। आप जब तक प्रयास निरंतर करते रहें जब तक जीत आपके ना हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में क्या क्या गलतियां हुई हैं, अगर गलतियां हो भी गई हैं तो उनको दोहराएं नहीं, उनमें सुधार करें, और सुधार करने के बाद ऐसा प्रयास करें कि आप निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहें। ये सारी की सारी लर्निंग मैंने पठान मूवी से ली है, और मैं अपनी लाइफ में यदि कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को सीखता हूँ, समझता हूँ और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप लर्निंग भी करेंगे तो आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जा पाएंगे। इसके अलावा आपके मन में यदि बिजनेस को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।